मैथमेटिक्स की में रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आज हमारा 10th क्लास का दूसरा वीडियो यानी दूसरा चैप्टर, चूंकि यह मैराथन क्लास है यानी चैप्टर कंप्लीट करके ही करते, और चूंकि समझाना भी यहाँ पर जरूरी है और टेंशन मत लीजिए, 1 घंटा 7 बजे 8 बजे तक यू ही खत्म, 9 तक दोनों खत्म, चूंकि थोड़ा मॉड्यूल को समझना है। पहला प्रश्न ये है कि बोली नोमियंस है, यानी इंट्रोडक्शन, पॉलीनोमियल्स है क्या, यानी वेरिएबल टू दी पावर, वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर क्या होगा, पॉलीनोमियल्स वेरिएबल टू दी पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल टू दी पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल टू दी पावर क्या होना चाहिए, पहला है कॉन्स्टेंट, क्या है कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, क्या है पॉलीनोमियल, यानी पी एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी, सी दो बातें को सी दो बात, यानी ये सी या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, बोलो यस या नो, यस जीरो होगा तो एक्स के पावर 1 होगा, जीरो को एक्स के पावर 2 लिख सकते हैं, जीरो को एक्स के पावर 3 लिख सकते हैं, जीरो को एक्स के पावर 4 लिख सकते हैं, जीरो को एक्स के पावर 5 लिख सकते हैं, यानी डिग्री अनडिफाइंड होगा, डिग्री क्या होगा, अगर सी जीरो नहीं होगा तो 2 होगा, तो यहां डिग्री डिफाइंड हो, डिग्री यानी ध्यान में कॉन्स्टेंट प्रोनोमियल्स 2 टाइप का होता है, एक में 0 अगर होगा तो डिग्री अनडिफाइंड होगा, और डिग्री नहीं होगा तो उसका डिग्री 0 होगा। ये जब 9th क्लास तुम लोग पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा 9th क्लास, कब पढ़ा होगा 9th क्लास, तो 9th क्लास के पेज नंबर 30 में, पेज नंबर 30 में लिखा नॉन जीरो कॉन्स्टेंट तो उसका डिग्री क्या होगा, यही पेज नंबर 31 में, पेज नंबर 31 लिखा है कि अगर कांस्टेंट टर्म 0 होगा दूसरे टर्म 0 होगा तो डिग्री अनडिफाइंड होगा, डिग्री क्या होगा, बोलो यस या नो, यस सर, तुम्हारे मन में दुविधा होगा, नहीं सर, दुविधा खत्म हो गया, तुम पहले स्कूलों को पढ़ा था कि डिग्री इसका जीरो, डिग्री क्या होगा जीरो, वो एक पाए क्या तेरे में क्लास में, यस सर, नाइन क्लास का बुक दिखाएंगे, नाइन क्लास का बुक दिखाएंगे, और नाइन क्लास का बुक तुमको दिखाएंगे, या फिर का मंत्री सफेद नंबर एक उसमें लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि अब तुमको क्लास को कंटिन्यू करना है तो क्लास खत्म हो जाएगा, तुमको लिखा देंगे, बोलो यस सर, यस सर, बोलो क्लियर है, यस सर, ये तो पेज में लिखा हुआ रह जाएगा ही, पेज नंबर 30 में कहां लिखा हुआ है ये भी मैं बताऊंगा, ये पेज है, ये पेज में यहां लिखा हुआ है 31 नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है,
ये यहाँ लिखा हुआ है, देख लो मेरे रूम में कर दिया ना, उसको देखो नाइन क्लास को कुछ जल्दी नहीं कर सकते हो तुम्हारे पास सोच जो कर दो पानी भाई पानी रूम को अलग कर दो बोलो इसे कोई भी कन्वेंशन आपके पास ना हो ये मेरा मेहमान है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन आ गया ना तो बड़ा हम तकलीफ हो जाएगा। यदि कंफ्यूजन नहीं रहना है बोलो रहना पेज नंबर 30 बोल दिया हमको क्या दिक्कत, पेज नंबर 30 बोलो देखो मैं पेज क्या कर दिया कर दिया ऐसा नहीं है सही बात है भाभी की बात अखाड़ आता है ये आंसर आ गया लिखा हुआ अरे लिखा हुआ है पढ़ो और पेज नंबर 30 लिखा हुआ The degree of the non-zero constant polynomial is zero. Welcome. The degree of non-zero constant polynomial is zero. Yes, sir. Yes, sir. Practice number 9, but देखो. What is the degree of the zero polynomial? The degree of zero polynomial is not defined. And undefined. Yes, sir. Three, four. We have one. समझ गया? Yes, sir. नहीं आया. आया, sir. यहाँ पर तुम्हारे पास अब हम बात करेंगे लीनियर यानी कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी से ग्राफ भी कैसे चालू करेंगे, क्योंकि ग्राफ भी तो सिखाते हैं। तो यहाँ पर px इज इक्वल टू सी है क्या तो इसके ग्राफ ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे बोलो यस यस लेकिन px इज इक्वल टू जीरो है तो ग्राफ यही होगा बोलो यस यारो यस सर बोलो यस सर समझ में आ रहा है यस सर बोलो यस सर अच्छे से हाँ सर ग्राफ किसने आ गया यस सर मेरी ग्राफ का ही तो सीखना ग्राफ सीखना सिखाना है कर दिया ग्राफ किसने आ गया यार px इक्वल टू 2 है तो खींचो में कि नहीं खींचो में हाँ सर px इक्वल टू -2 है तो खींचो में कि नहीं खींचो में बोलो यस सर अगला लीनियर प्रोनोमियल सीखे हैं अब क्वाड्रेटिक प्रोनोमियल्स की बारी आती है इसकी बारी आती है क्वाड्रेटिक प्रोनोमियल्स का यानी ax स्क्वायर bx प्लस सी क्या होता है जरूर Px बराबर क्या होता है जल्दी बताओ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोलो यस या नो यस रेडी हो यस रेडी हो यस सर तो दिक्कत सर यानी अब यहां पर तुम्हें ओ क्वाड्रेटिक करा दिया अभी तो तुमको छूट गया है लीनियर प्रोनोमियल्स क्या छूट गया है यानी px इज इक्वल टू ax प्लस b px इज इक्वल टू ax प्लस b पता इसको कहते हैं स्लो क्या कहते हैं स्लो और इसको कहते हैं इंटरसेप्ट क्या कहते हैं इंटरसेप्ट बोलो यस जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है या px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है ये कहां कटेगा अगर ये 3 है ना तो y को 3 पर कर बोलो यस या नो यस यहां सपोज करो ये आ गया ठीक है ध्यान दे y बराबर x का ग्राफ आता है
ए वाई बराबर एक्स, वाई बराबर वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ आता है ए वाला है, यहां पर एंगल 45 डिग्री होता है, बोलो यस या नो, ये माइनस 45 होता है। तुम्हें पता है कि ये कोफिशिएंट यहां वन है, क्या है, वन से ज्यादा होगा, वन से ज्यादा होगा तो यह मान ऐसे आएगा, और वन से कम होगा तो ऐसे आएगा, बोलो यस या नो, यस। बताओ मेरे भाई यहाँ वन से ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, वन से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो बोलो ऐसे होगा कि नहीं, किचने आ गया कि नहीं, यस। अब तुमको नाइन क्लास में टीचर सिखाया होगा कि देखो बाबू अगर आप खींचने के लिए तीन पॉइंट चाहिए कितना पॉइंट चाहिए, तो एक टेबल बना, याद आ रहा है मिस्टर अंकित जी, ये एक्स है, ये क्या वाई, एक्स तो भाई वो जीरो रखेंगे तो वाई थ्री होगा, वन रखेंगे तो फाइव होगा, बोलो हाँ, और टू रखेंगे तो दो दूना चार तीन सात, बोलो यस है, यस बोलो, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं करना है, फिर आया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट में क्या आया, y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, y को जीरो कर दिया, y को जीरो, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 3, x बराबर माइनस 3 y, और यहाँ x को जीरो कर दिया तो y बराबर 3, बोलो यस सर, एक कोऑर्डिनेट आया 0 कॉमा माइनस 3 बाई 2, सॉरी माइनस 3 बाई 2 कॉमा 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट आया 0 कॉमा 3, बोलो अभी दो पॉइंट आया, ये माइनस 3 बाई 2 कॉमा 0 है, 0 3 है, और फिर उसके लिए स्केल लेना, स्केल लेना सब दिखाई पड़ते हो सर, पढ़ने का वाला एक्सप्रेशन है, बोलो यस सर, बोलो आप, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का भंडार, यहाँ y इक्वल टू 3x प्लस 2, दूसरा y इक्वल टू हाफ x प्लस 3, तीसरा y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5, चौथा y इक्वल टू माइनस हाफ x प्लस 6, पांचवा y इक्वल टू 3x माइनस 2, छठा y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2, ठीक है, बोलो छह क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके पास, इंटरसेप्ट कहां कर रहा है बताओ, टू पे कहां कर रहा है, यानी 0.2, रेडी है सर, यहां पर इसके पैरेलल खींच देंगे सर, स्लोप बोलो एक से ज्यादा है कि कम है, तो सीधे जाएगा कि ऊपर, ऊपर बोलो ऊपर जाएगा, यस सर, और ये जा रहा था तो कैसे आ रहा था, आया कि नहीं आया, पहला हो गया कि नहीं, यस सर, मजा नहीं आया, आया सर, नहीं आया सर, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, यहां देखो ये कहां कटा है, देखो 0.3, क्या करेंगे, बोलो यार, यस सर, आ रहा है, यस सर, कि देखो वन से छोटा है कि कम है, छोटा है, छोटा है, बोलो यस सर, तो डालेगा कि उठेगा, डालेगा, दबा ना, ए? दबा क्या पूरा हिला दिया, ऐसा कभी कभी होता है
कि दाबने के फेर में भाग जाता है। ये सोचा कि हमको सर दाब देंगे, 120 किलो वजन है, तब क्या होगा, कि पहले ही भाग गया। यस सर, लेकिन इसको पता नहीं है कि हम दाबेंगे, कब हो गया ना, वजन से छोटा है कि नहीं। 45 डिग्री से कम है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो लोग नहीं बनाओगे तो हम बड़ा तकलीफ में हैं। कहाँ होगा 0.5 ना। हाँ सर। अब ये देखो माइनस है ना। हाँ सर। तो प्लस रहता है तो ऐसे जाता है, तो माइनस रहेगा तो ऐसे आएगा। बोलो ना सर। सब ठीक बा नहीं ठीक बा? अरे यही तो फिजिक्स में आनी चाहिए, जिसको बोले एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कर गया, एक्सेलरेट कर गया। आगे बाबू ने एक्सेलरेट बोला आंसर क्या सर? जिसे लिखा एक्शन बोलते हैं, समझ में आया? ये ग्राफ से मैंने भी आया पॉलीनोमियल उसको हम छोड़ रहे हैं जिसकी पूरी फिजिक्स में कहा सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या नहीं बना देंगे? बोलो यस या नो। 0.6 है ये आया, बोलो यस या नो। क्या क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना पाएंगे? यहाँ देखो -2 तो 0.-2 बोलो यस या नो। एक्स है तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? अगला में देखो क्या है 6 नंबर क्वेश्चन में। एक्स है, वाई है, माइनस है, ये 0.-2 है, बोलो भाई। ये -3 है, क्या है? क्या है? ऐसे आएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया। अच्छे से पूरा लॉक कर दिया जाए दिमाग में से। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब हम लोग चलते हैं महान गणितज्ञ जिनकी जन्म 22 दिसंबर को हुआ। 22 दिसंबर को उनकी पहली शादी, पत्नी को पहले आप बोले, आप बोले तो घर में आ बोले क्यों? बोले हमारा शादी तो होता है। उनकी पत्नी बोले क्यों? तो बोले मेरा तो बड़ी से बड़ी शादी हो गया है, तुम्हारा तो बड़ी बड़ी से काम देता है, आप टाइम नहीं दे। वो जाके अपनी सास से भी उनको तो उसको तो विशाल नहीं हुआ है, कोई शादी उनकी मम्मी का तो बोला। आप जानते हैं कि यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता है, रात को भी पढ़ाते हैं। तो उनकी माँ भी जाकर बच्चा को बोला, गांव में उधर तो अभी मेरे साथ ही क्या है, तो लोग रात को भी आते हैं। जब भी रावण को ना शायद पत्नी को बोले हमारा तो शादी हो गया है, इसे रनी यानी कोई काम किसने के लिए अल्लाह करता होगा?
आइए रामानुजन के स्टाइल में, और आप लोग जाने जाने करते रहे, बताइए हैं? ये कहा कि पीवर रखेंगे तो क्या बोलो? स्टूडेंट बोला सर वन का स्पार 5 × 1 + 6 1 5 6 7 में से 5 किया तो ये बोलेंगे बोले 9 क्लास नहीं पर क्या बोला सर खूब पढ़े एक्स माइनस वर्ड को इससे डिवाइड करें है? बोलो कितना बार मिलाएगा एक्स बार में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कट गया घटाओगे कितना बार में -4 + 6 बोलो अब तुम्हारा ये -4 बार में लगा तो -4x + 4 घट गया 2। रामानुजन बोले इतना समय लगाना है रामानुजन क्यों? बहुत खुश है तीसरा पुनः को टाइम नहीं देते। अरे हम तो सबसे पहले प्रोग्राम में जाएंगे। आज सुबह 7:30 बजे से हम वीडियो बनाना चालू किए, अभी तक हम बना रहे हमसे जाके कौन कर रहे बोल बोल लो। अरे तुम्हारे पापा दोनों का कितना टाइम है? 12 घंटा 12 घंटा बाद है बोलो या सुनो बोला इसको कोशेंट बोलते हो ना? हाँ। इसको रिमाइंडर बोलते हो ना? हाँ। बोले मेथड चेंज करो मेथड इसको सुन रहा था लेकिन देखो क्या बोले बोले पेन चेंज करो देखना x² - 5x + 6 है बोला x - 1 से भाग दे रहे थे ना यानी x = 1 हो गया ना yes, बोला यहां 1 लिख दो 1 यहां 1 कोफिशिएंट है ना yes, एक में एक से गुना किया तो क्या हुआ अजोड़ क्या कर दो ये -5 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो आई -4 को 1 से गुना गुना करो अजोड़ दिया तो क्या हो गया समझ में आया तो लास्ट वाले को RX बोलते हैं 2 हो गया और QX क्या हुआ देखो यहाँ x² है तो X लिखा गया ये देखो -4 है ना अब बोले देखो आया क्या ना आया ना आया आया ना आया ना यानी अगर 9th क्लास में अगर तू हमसे मिला हुआ होता तो ये प्रॉब्लम आज क्रिएट भी नहीं होती। आज तुम लोग इसको बहुत तहे दिल से इसको तुम लोग बना देता लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुलाकात नहीं हुई तो इसमें क्या दिक्कत है बोलो यार मुलाकात नहीं हुई तो कोई दिक्कत है क्या बोलो भाई मुलाकात नहीं हुई तो कोई दिक्कत है अभी तो हो गई ना बोलो यार श्याम जब मुलाकात हो गई तब से हम लोग करना चालू कर रहे हैं क्लियर है
आ गया कर। अब मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहूंगा कि यहां पर पी एक्स एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स लिखना चालू करिए और यहां जी एक्स का वैल्यू एक्स माइनस फोर। पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू यहां पर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। तीसरी क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर सेवन एक्स माइनस एट और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। आपको फाइव क्या करना है पता है ना, बोलो। आपको निकालना है क्यू एक्स और आर एक्स। तो पहली क्वेश्चन का क्या होगा, दूसरी क्वेश्चन का क्या होगा, तीसरी का क्या होगा, बनाना सब लोगों को सिखा दिया है ना। yes, क्या करेंगे चीन ऐसे पारा। यस सर। यहाँ एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो पा रहा है, एक्स बराबर फोर होगा। यस सर। बोलो। यस सर। यहाँ पर चार डाल दिया। यस सर। एक में चार से गुना किया तो चार हुआ। यस सर। माइनस टू हो गया। यस सर। बोलो यार। यस सर। माइनस टू फोर जा। माइनस एट। माइनस एट। थ्री आ गया। यस सर। और थ्री फोर जा। ट्वेल्व। जोड़ेंगे सिक्स हो गया। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, बोलो भाई। यहाँ माइनस टू एक्स है, प्लस थ्री है और आर एक्स की वैल्यू क्या हो गई बताओ। बोलो यस या नो। यस सर। दूसरा क्वेश्चन, पेन का कलर चेंज कर दें। पेन का कलर चेंज कर दें, हरा कर दें। यस सर। अब देखो दिख रहा है हरा 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 आदेश। यहाँ जीरो एक्स बराबर टू हो गया। यस सर। यहाँ पर एक टू से बोलो। यस सर। वन इंटू टू यहाँ पर टू हो गया। यस सर। यहाँ माइनस वन हो गया। माइनस वन में टू से करेगा तो माइनस टू, जोड़ेगा तो थ्री और थ्री टू जा सिक्स। बोलो यस या नो। यस सर। जीरो हो गया। यस सर। लिखने आ गया सब लोग को। यस सर। तो दूसरा वाला लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री आर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। यस सर। अब ये वाला हम लोग करेंगे। यहाँ तीन है। यस सर। एक में तीन से तीन माइनस टू, तीन दूना छ माइनस वन। बोलो। और वन में थ्री से थ्री यहाँ माइनस फाइव, यानी आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और ये फाइव। बोलो कैसे लगा सर। माइनस फाइव। माइनस फाइव। बोलो आया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको एक्सप्रेशन कैसे करना है, ये करने आ गया। लेकिन यहां पर तुमको एक ज्ञान की बात बताता हूं। एक्सप्रेशन दो टाइप का होता है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। अभी देखो पी एक्स बराबर यहां एक्स क्यू माइनस वन लिखते और एक्स माइनस वन इक्वल जीरो जी एक्स का वैल्यू है। अब देखोगे कि इसका हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर कैसे होगा, ये जानना जरूरी है। क्या यह कंप्लीट है? नहीं। x के पावर तीन है, यहां x के पावर जीरो है, ये कंप्लीट नहीं है। तो इसे कंप्लीट करेंगे कैसे, एक्स क्यू जीरो एक्स स्क्वायर जीरो एक्स माइनस। बोलो यस या नो। यस सर। ये कंप्लीट हो गया कि नहीं? यस सर। और x माइनस वन इक्वल जीरो है तो x बराबर वन हो गया। यहाँ वन डाल, वन में वन से गुणा करेंगे तो वन हो गया, फिर यहाँ वन
और वन में से वन वन जीरो, यानी इसका क्यूएक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया और आर एक्स जो है वो जीरो हो गया। अब हम समझते हैं कि तुमको डिवीजन में कोई तुम्हें नहीं फंसाएगा कि फंसा दे, बोलो यस या नो। यस। डिवीजन में कोई फंसाएगा क्या? है किसी में दम जो डिवीजन को फंसाएगा? बोलो कोई नहीं फंसाएगा। यह बात आपको करने बिल्कुल आ चुका है कि नहीं आया है? बोलो यस या नो। अच्छे से आया है कि नहीं आया है? बोलो भाई। यानी पहला जो तुम लोग को इंट्रोडक्शन करना था वो सभी टाइप का आपको करना सिखा दिया गया है। बोलो यस सर। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक और चर्चा करनी है, वह चर्चा क्या है यह बात को जानना जरूरी है। बोलो यहाँ पर चर्चा ये करना है कि जीरो कब हुआ। जीरो तो समझ ही, यानी क्या रखने से उसको जीरो होगा। तो आओ तो पहला हम लोग देखते हैं पी एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स इजकल टू क्या है? इतना इजकल टू जीरो रखेंगे तो ए कॉमन हो जाएगा, तो एक्स प्लस यहाँ बी बाई ए होगा। बोलो यस या नो। यस सर। कि नहीं होगा? हाँ होगा। होगा बोलो। यस। बोलो यस सर। यानी एक्स बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा। यस सर। यह बात करने आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया? हाँ सर। कि नहीं आया? आया सर। नहीं आया? आ गया सर। आया? हाँ सर। अब हम बात करेंगे इसी ढंग से कि अगर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और तीन रूट है तो गामा। इक्वेशन लिखना मेरे से सीखो, यानी यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस ये देखो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा एकक करके क्या करके लेना? एकक करके लेना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बोलो यस या नो। अब क्या ले लेता है? दो दो करके ले। बोलो यस या नो। अल्फा बीटा अल्फा गामा। बोलो यार। बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा होगा कि नहीं होगा? अगर ये कंपेयर करें तो ए से इसको डिवाइड पहले करना पड़ेगा, तो ए से डिवाइड कर देंगे तो एक्स क्यूब बी बाई एक्स एक्स स्क्वायर सी बाई एक्स और डी बाई ए। बोलो यस या नो। यानी यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा करोगे तो माइनस डी बाई ए। बोलो यस या नो। क्या क्वांटिटी दोनों अपने से नहीं कर लोगे? चूंकि क्वांटिटी में तुम्हारे पास आता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अब यहां अल्फा बीटा दो रूट होगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब यहाँ गौर से देखो, इसको हम एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स सी बाई ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हुआ कि नहीं हुआ? घर में आया कि नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। बोलो आया कि नहीं आया? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार में थ्योरी कर करके तुमको हम फटाफट सभी एक्सरसाइज को बनाना तुम लोग को तुरंत सिखा दें। यहां तक सब लोग को आ गया कि नहीं आया? अरे बोलो ना भाई। नहीं आया। नहीं आया सर। वो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। डी बाई ए? डी बाई ए ना। हाँ। अरे चार वाला रहेगा तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? चार वाला रहेगा कर देगा कि नहीं कर देगा? ए भाई
px is equal to ax4 plus bx cube cx square dx plus e. ये है अब तुम्हारे पास क्या करो, इसमें r1 रूट होगा, r2 रूट होगा, r3 रूट होगा, r4 होगा। यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो पहले तो ये x4 b by x cube c by x square b by x और e by a, इसका हम x के पावर 4 होगा, एक का करके लेना है तो r1 plus r2 plus r3 plus r4। बोलो कर देगा कि नहीं कर देगा। अब तुमको क्या क्या लेना है जल्दी बताओ, दो दो करके। तो कैसे लोगे, r1 r2 R1 R3 R1 R4 R2 R3 R2 R4 R3 R4, R2, R4, R3, R4। बोलो यस या नो। अब तीन तीन करके लेना है तो चार में से तीन लेना अच्छा है कि एक को छोड़ना अच्छा है, एक को छोड़ना अच्छा है। तो R1 छोड़ दिया तो R2 R3 R4 फिर R1 R3 R4 R1 R2 R4 और फिर R1 R2 R3। बोलो यस या नो। यस सर। चारों होगा कि नहीं होगा। यस सर। ये बात समझ में आया? यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 यहां पर माइनस b बाई a होगा। बोलो। यस सर। जिसे हम शॉर्ट में s1 कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। S2 मतलब समझ में आ गया, क्या होगा C बाई S3, क्या होगा D बाई और S4 क्या होगा E बाई। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। अच्छे से आ गया? यानी अब तुमको प्रोनोमियल्स में अगर रूट मालूम रहेगा, क्या मालूम रहेगा, रूट, तो तुम बना सकते हो। यस सर। बोलो यस सर। यस सर। कि नहीं बना सकते? बना सकते हो? बोलो भाई। यस सर। तो हम ग्राफ को सिखाना चाह रहे हैं, यानी हम चाहे कि 2.1 2.2 2.1 2.2 ये कितनी बार में कंप्लीट करना है? बोलो यस सर। यस सर। रेडी हो? यस सर। रेडी है? आइए देखते हैं ज्योमेट्री में रूट का क्या होता है। ये देखो पॉलीनोमियल्स का एक और डिफिनेशन होता है, जैसे px = 0 क्या हुआ, जीरो। तो इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ और y एक्सिस का पैरेलल है, y एक्सिस है। अगर a के बराबर कट जाए तो वह पॉलीनोमियल्स है, और नहीं कर रहा पॉलीनोमियल्स एक से अधिक बार करना पॉलीनोमियल्स। बोलो यस सर। गौर से देखो मैं आई, यह ऐसे ग्राफ है। बोलो यस सर। बोलो ना। यस सर। वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा, देखो केबल कट गया। एक बार बोलो, यानी यह फिगर पॉलीनोमियल्स है, या फिगर प्रोनोमियल्स। बोलो यस सर। यस सर। बोलो ना। यस सर। ये बात हमारे रामचंद्र जी बताएंगे क्या यह प्रोनोमियल्स है। नहीं, अरे पूर्वक इस पर कर ही तो काफी बार न मिलेगा, एक ही बार मिलेगा कि बहुत बार मिलेगा। बोलो यस या नो। बोलो। बोलो। या प्रोनोमियल्स, या प्रोनोमियल्स रूट इसका है कि ये हो, लेकिन ये प्रोनोमियल्स, ये बताओ प्रोनोमियल्स है। वाई एक्सिस के पैरेलल खींचो, देखो एक ही बार ना कटा।
बोलो, यानी कौन प्रोनोमियल्स है, कौन प्रोनोमियल्स नहीं है, कर दो एंट्री कर दो बोलो, पहचान में आ गया यानी। अब क्वेश्चन विंडो हम लोग चालू करते हैं, क्वेश्चन विंडो, आइडेंटिफाई प्रोनोमियल, आल्सो फाइंड नो या जीरो, आल्सो फाइंड रूट और जीरो, यस या नो। पहला देखो ये क्या प्रोनोमियल्स है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मिलती है तो मिल जाओ, मिलने का तुम्हें इच्छा नहीं है, मिलती वही मोहब्बतें अब हम लोग चेक करेंगे, बोलो या से बोलो, और साथ में जीरो भी चेक करेंगे, कितना जीरो है, और आपका जो आई। पहला देखेंगे पेन का इस्तेमाल, चेंज वाइट से वाइट इसके पैरल खींचे, प्रोनोमियल्स तो है लेकिन इसका जीरो नहीं है, एक्स एक्सिस को भी अपना वाला जीरो, एक भी और नहीं बना, ये प्रोनोमियल्स तो है, एक्स एक्सिस को के बार मिला जीरो, एक बार दिस इज द जीरो, यस सर, यह प्रोनोमियल्स है, के बार मिला दो बार, गौर से देखो यह प्रोनोमियल्स है, एक बार दो बार गलत, यहां भी दो बार, अरे एक बार जाते समय प्रणाम चाची, आते समय भी प्रणाम चाची, रास्ता प्रणाम चाची, एक बार मिला, अरे इंटरसेप्ट कर दिया, क्या कर दिया इंटरसेप्ट, क्या कर गया, यहां पर जाते समय भी प्रणाम कर रहा, आते समय प्रणाम कर रहा, तो यहां पर दूर हो गया, बोलो टोटल कितना, दो दो चार आए, समझ में आया, ये जाते समय भी पैर छुआ प्रणाम चाची, आते समय बोला प्रणाम चाची, आइए क्या हुआ, जाते समय ही बोला प्रणाम चाची, आया ही नहीं, बोलो या सुनो, है बोलो ना, समझ में आया नहीं, यहां देखो के गो उठा जीरो, दू एक यहां एक यहां, टोटल कितना चार, क्या यह प्रोनोमियल्स है, क्या यह प्रोनोमियल्स है, यहां पर वाई एक्सिस के पैरल खींचेंगे, देखो कितना बार मिल रहा है, मिल रहा है ना, नो प्रोनोमियल्स, क्या यह प्रोनोमियल्स है, यहां पर भी नो प्रोनोमियल्स, यह बात करने आ गया, बनाने आ गया, अरे बोल यार मेरे पास समय बहुत कम रहता है, क्योंकि हम चैप्टर निकालने का जादुई तरीका जानते हैं, अगर एक घंटा बोल दिया तो आप भी कंप्लीट हो जाएगा, करने आ गया, बोलो यार ना यार, एक बात ये कौन सा
अरे पॉलीनोमियल्स के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल खींचोगे वाई एक्सिस के, अब एक से अधिक वाई बन जाए, एक से यहां वाई एक्सिस के पैरेलल खींचेगा तो एक से अधिक वाला कट गया, वह पॉलीनोमियल्स नहीं, पॉलीनोमियल्स अब समझ में आया एक किससे कटेगा, ये ग्राफ है पहले से हरा वाला, इस पर वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा तो एक से अधिक बार में मिला है, इसमें एक के 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 बार में मिला है, और इसमें भी खींचोगे तो एक ही बार में मिलेगा, लेकिन इसमें एक से अधिक बार में मिला इसे प्रोनोमियल नहीं है। बोलो यस नो, स्कूल में लोग पढ़ाते हैं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कौन प्रोनोमियल से कौन प्रोनोमियल नहीं, ये देखना समझ में आया, फिर जीरो की चर्चा क्या करना है, जीरो क्या होता है, तो अगर काटते हुए रास्ते में अगर पढ़ाना सर पढ़ाना क्या, एक बार आई पिता की बात रुक गया, पहले पढ़ाना सर दो आज एक बात किया फिर पढ़ाना सर, यानी दस लिखा गया दर्शिता बन गया, दो बार दर्शिता बन गया, दो बार दर्शिता बन गया, अरे दर्शिता बन गया, आप समझ में आया, बोलो yes. अब एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 2.2 का, 2.2 में पहला कहता है कि फाइंड द जीरो द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट, बोलो यस या नो, फर्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, बोलो yes. निकाल दोगे yes, निकाल दोगे yes, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 इक्वल जीरो, x बराबर माइनस 12, बोलो यस या नो, बोलो अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़ाए थे ना, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहाँ पर क्या है माइनस टू, बोलो यस यार हो, और ए का वैल्यू क्या है वन टू आया, अल्फा इंटू बीटा बढ़ाए थे ना सी बाई ए, यानी माइनस एट बटे वन माइनस एट, कहता है पैकली करके देखो अल्फा का वैल्यू माइनस टू है और बीटा का वैल्यू जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस टू प्लस फोर बराबर टू हो गया, अल्फा इंटू बीटा माइनस टू इंटू फोर बराबर माइनस एट हो गया, यह बात समझ में आया, वेरीफाई हो गया है, अब हम क्वेश्चन नंबर टू आप लोग लिख रहे हैं, बोलो भाई आ रहा सब सब ठीक था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, 4x स्क्वायर 4x प्लस 1, बोलो यस या नो, बोलो यार यस है, देखो बोलते नहीं रहते हो ना तो हम सोचते हैं कहाँ बोल गया, काहे नहीं सब बोल रहा है, अब तो ठीक है क्योंकि हम बोलवाते रहते हैं, क्योंकि अभी तो हम आपको बता ही दिए, बोलो रामानुजन के अनुसार एक्स बराबर हाफ इन हाफ, बोलो yes, अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी, माइनस प्लस बी, फोर बाई फोर कट के अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी वन बाई फोर, अब पैकली करके देखोगे अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस हाफ जोड़ोगे तो वन, अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू हाफ वन बाई फोर,
यह बात समझ में आया? तो अच्छे से सब लोग को समझ में आ रहा है? बढ़िया से? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में मैं दूं और आप निश्चिंत रहे, आपकी क्लास अपने टाइम पे समाप्त हो जाए। तो आप लोग के क्वेश्चन नंबर 3 6x² - a आप लोग छोड़ता हूं। 4 नंबर 4a² 8 है एंड 5 नंबर r² - 15 है एंड 7 नंबर 3x² - x - 4 ये आप लोग के लिए छोड़ देता हूं, बना लेंगे वीडियो को रूम करके आप लोग बनाएंगे सारे स्टूडेंट बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको प्रॉब्लम होगा। आपको तो वो है कुछ तीन के लिए बना दिया है, इन वाला मैं सिखाऊंगा जिसको ऑप्शनल बोलते हैं, तो आपको मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूं, ये मेरी वादा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स ईच ऑफ द गिवन नंबर 7 एंड प्रोडक्ट इज द जीरो डेसिमल। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, अगर अल्फा बीटा मालूम, अल्फा बीटा मालूम तो इक्वेशन क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं, बोलो ना। पहला क्वेश्चन आपके पास 1/4 - 1 है, यहाँ x² 1/4 - 1 x और यहाँ 1/4 - 1 यानी x² इसको हल कर दिया तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3/4, बोलो भाई। और ये वाला 1/4 एलसीएम 4x² + 3x - 1, बोलो आया कि नहीं आया? आ गया, बोलो। अगला प्रश्न आपके पास √2 है और 1/3 है, बोलो यार। x² होगा फिर √2 + 1/3 x होगा और √2 × 1/3 होगा, करने आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 0√5 है, x² हो जाएगा -√5x और ये तो 0 ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ 1, 1 x² - 2x + 1, बोलो। अगला पेज में क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4 x² हो गया 1/4 - 1/4x और -1/6 यानी x² यानी 16x² - 1 = 0, बोलो। अगला प्रश्न है और लास्ट इसका 4, 1 है x² और 4 5x + 4 = 0, हम समझते हैं क्लियर होगी। और डिवीजन के पूरे पॉलीनोमियल्स तो हम उतनी बारे से नहीं सिखाएंगे, आपको एक एग्जांपल में पेश करता हूं, क्योंकि आप लोग डिवीजन एल्गोरिथम पॉलीनोमियल से डर रहे थे इसलिए बस डाल दिया। अरे भाई सिलेबस में डाल दिया, आप कल में बसा देंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा। यहां डिवाइड करने के लिए कह रहा है 2x² + 3x + 1 किससे डिवाइड कर रहा है, x + 2 से। अगर हम बुक की बात करेंगे तो x + 2 से ऐसे डिवाइड होगा, फिर सर की जरूरत क्यों, मैथमेटिक्स में रामानुजन की जरूरत क्यों, यानी यहां पर 2x² में लगा तो 2x² यहां 2×2=4x हो गया, बोलो। या से नो 3x + 4x या -x + 1
बोलो यार, अब माइनस वन बार में लगे तो माइनस एक्स माइनस टू यानी थ्री। उनकी पत्नी का नाम मतलब पूछा जाए तो बता देना गणित, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, एक्स बराबर माइनस टू हो गया। यहाँ माइनस टू लिखेंगे, टू में माइनस टू से गुणा कर दिया माइनस फोर हो गया, जोड़ेंगे माइनस वन हो गया, माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस प्लस प्लस टू हो गया, टू एक तीन हो गया। प्रीवियस लिखा डायरेक्ट सिखाए थे, बोलो इसकी कोफिशिएंट क्या है, टू एक्स, इसका क्या है, आर एक्स निकालना सिखाए थे, आया कि नहीं आया, बोलो नहीं आया, नहीं आया, आवाज नहीं आया, नहीं आया, प्रश्न आवाज में बुलंद नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, दिस इज द पी एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, यस सर। अब ऐसे करेंगे, इतना इसका जीरो, एक्स बराबर वन हो गया, यस सर। यहाँ वन डाल देंगे, वन माइनस वन, यस सर, माइनस वन जोड़ देंगे माइनस फोर, यस सर। नहीं विश्वास से करके देख लो, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, कितना बार में लगेगा पहले, एक्स बार, एक्स माइनस वन, बोलो यार, यस सर, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री हुआ, यस सर, माइनस थ्री बार में लगेगा, माइनस थ्री बार में लगेगा, ये माइनस टू एक्स है, आई एक्स हुआ, ती एक्स तो हो गया, एक बार में लगेगा, बोलो यार, यस सर, माइनस एक्स और प्लस वन, यहाँ हल कर दिया तो माइनस फोर हुआ कि नहीं, यस सर। यहाँ भी पढ़ना सिखाए थे कि एक्स हो जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स होगा कि नहीं, यस सर। जी एक्स तुम्हारे पास माइनस फोर हुआ कि नहीं, यस सर। तो आप देख रहे हैं डिवाइडर को रेट में, इसमें किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो दिक्कत तो आप बोल सकते हैं। अगली प्रश्न भी यहाँ पर है, हम जानते हैं कि आप लोग का टाइम होने वाला होगा, टेंशन मत लीजिए, आपकी टाइम खत्म और ये चैप्टर समाप्त, चूंकि चैप्टर और टाइम ये दोनों पैरेलल चलता है, चूंकि हमारा भी ये भी एक खासियत है ये है। और तो कहोगे तो बाप रे बाप की क्यूबिक क्वाड्रेटिक, अरे क्वाड्रेटिक नहीं है, चश्मा लगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर है, यस सर, पहले इसको x प्लस वन से डिवाइड कर देंगे, यानी x बराबर माइनस वन आ जाएगा, तो आंसर आएगा उसको भी डिवाइड कर देंगे, वो हमें आगे बन जाएगा। आइए देखते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, यहाँ पर माइनस थ्री या माइनस टू, यहाँ प्लस टू फोर माइनस फोर वन, यस या नो, यस सर, करने आया कि नहीं आया, यस सर, नहीं आया, आया सर, नहीं आया, आया, कर लेंगे, यस सर। तो कैसे करेंगे, यह बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस सर, अच्छे से कर लेंगे कि नहीं कर देंगे, यस सर। अब यहाँ पर तुम्हें मैं बताना चाहूंगा, ये है डिवीजर, क्या है जल्दी बताओ, डिवीजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड, और इसको बोलते हैं कोशियन, क्या बोलते हैं, कोशियन, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तुम्हें पता है ना ये बराबर क्या होता है, 30 इंटू 30 प्लस ये होता है, यस सर, बोलो यस या नो, यस सर, होता है कि नहीं, यस सर। अगर इसको ए कहा जाए, इसको बी कहा जाए, इसको क्यू कहा जाए, इसको आर कहा जाए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर,
ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है, तुम्हें पता है इसका जो डिग्री होगा इससे इसको कम होगा, बोलो यस या नो? यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। करने आए कि नहीं आए? यस सर। तो आप डिवीजन के मास्टर ब्लास्टर और एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होने वाला है, टाइम देख लीजिए, आपका 8 बजने वाला होगा। आज कैसे श्री कृष्ण भगवान जी धरी को विपरीत कर दीजिए, बस 2.3 और ऑप्शन दो को चैप्टर है, बस 2 मिनट में और हो जाएंगे। डिवाइड द प्रोनम्स पी एक्स एंड टी एक्स, डिवाइड को कर ही दोगे? यस सर। करना सिखा दिया हूं? यस सर। अगला चेक करना, फर्स्ट प्रोनम्स वेक्टर प्रोनम्स डिवाइडिंग द सेकंड प्रोनम्स, पहला प्रोनम्स से सेकंड प्रोनम्स से डिवाइड करना है, बोलो करने लगा नहीं करेगा? यस सर। अब यहां पर कह रहा है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है और दो रूट मालूम, दो रूट मालूम है तो तुमको पता है कि रूट में क्वाड्रेटिक बताए कि अगर रूट अल्फा प्लस रूट बी है यानी बीटा है तो अगला रूट क्या होगा? अल्फा माइनस रूट बीटा। कंजुगेट बताए थे, बोलो यस या नो? यस सर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहां पर 3x^4 6x³ 10x - 5 है। अगर यहां 2√5/3 और -√5/3 दिया हुआ है, अब इससे इक्वेशन बना देंगे तो x² हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 यानी यहाँ पर 3x²-5=0 यानी इसको क्या से भागा देना है पता चल गया, 3x²-5 से। बोलो यार डिवाइड कर देंगे? कर देंगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि ऑन डिवाइडिंग मेथड वही डिवाइड क्या है, बचपन में डिग्री चेक करना है और अभी ऑप्शनल में 2 मिनट और लगेंगे, ऑप्शन में बहुत आदमी हो जाएगा कि नहीं बनाना है, ऐसा कोई बात नहीं बनाना, क्योंकि क्यूबिक बोलो हम बनाए हैं नहीं बनाए, सच सच बताओ क्यूबिक बनाए हैं नहीं बनाए, बनाए क्या बनाए जल्दी बताओ? ax³ bx² cx + d = 0 पढ़ाए ना? Yes. यार यहाँ देख लेना अल्फा बीटा गामा है तो इसको x³ + by x² c/x d/a = 0 yes, sir. इससे इक्वेशन बताए थे x³ α+β+γ x² α+β(γ) x(α+β(γ) = 0 बोलो यस या नो? यस सर। कंपेयर करना सिखाए हैं कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा = c/a अल्फा बीटा गामा = -d/a बोलो यस या नो? यस सर। सिखाए हैं कि नहीं? यस सर। नहीं सिखाए? अब हड़बड़ा मत, तनी मुशर्मा कर ला, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। 2x³ x² - 5x + 2 = 0 इसमें कह रहा है कि रूट हाफ है, 1 है और ये -2 है, ये तीनों रूट मान करके क्या इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? x³ लिखेंगे? यस सर। रूट में क्या क्या है जल्दी बताइए। हाफ 1 - 2x² यस सर। बोलो यस सर। अगला क्या लिखोगे जल्दी बताओ? ½ × 1 ½ × -2 और 1 - 2 मल्टीप्लाई में
एक्स बोलो यस सर यस सर अगला क्या लिखोगे हाफ इंटू वन इंटू माइनस टू इजकल टू जीरो ये दोनों बराबर हो जाएगा तो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू भी इसी टाइप का है दोनों बनाने का कि नहीं यस सर अगला क्यूबिक इक्वेशन में कहा है बनाने के लिए तो साथ साथ बताओ मेरे भाई कि टू सेवन और माइनस फोर्टीन कारा की क्यूबिक इक्वेशन बनाई जिसमें ए रूट करते हैं यानी ये एस वन दिया हुआ है ये एस टू दिया हुआ है और ए वाला एस थ्री दिया हुआ है बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा yes, क्या इक्वेशन बनाए थे जल्दी बताओ एक्स क्यू माइनस एस वन एक्स स्क्वायर एस टू एक्स एस थ्री इक्वल जीरो बोलो yes, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा yes, अगला कह रहा है कि जीरो प्रोनोमियल्स है तो वहां पर जो है रूट उसका मालूम है रूट मालूम है तो यहाँ पर देखो ये भी बना लेना है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन ये इसका जीरो दिया हुआ है ए माइनस बी ए और ए प्लस बी बोलो कर लेगा कि नहीं कर लेगा बोलो भाई ए और बी का भाई मिल जाएगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा ए बाबू निकालना पड़ेगा मजा तो आएगा थ्री ए इजकल टू माइनस थ्री हुआ ए बराबर माइनस थ्री बाई थ्री हुआ माइनस वन आया नहीं है क्या ये प्रोडक्ट है ए वाला तो यहाँ पर के माइनस बी और ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बराबर वन है ए का वैल्यू रख देंगे बी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा अब दो प्रश्न और हैं आप देखते हैं अरे देखो कभी कभी चार पांच मिनट लेट हो जाता है यार अब टू रूट मालूम है एक्स के पावर फोर सिक्स एक्स स्क्वायर ट्वेंटी एक्स स्क्वायर वन थर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव पहला रूट है टू प्लस टू थ्री और दूसरा रूट है टू माइनस टू थ्री तो इससे इक्वेशन बना देंगे एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो चार हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो चार में से तीन गया तो ये मेरी बात समझ में आया क्या नहीं आया अब इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से बोलो करने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जो कोशेंट आएगा उसको पुनः दो गुण निकल जाएगा तो बोलो चार गुण निकालने वाला आया कि नहीं आया और इस बुक का लास्ट क्वेश्चन और आज की समय आप लोग का बहुत अच्छा जाए क्योंकि आप लोग ने यह साबित कर दिया कि मैथमेटिक्स को आप इसको यहां से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए ठीक है तो यहां पर एक्स प्लस ए इससे रिमाइंडर जीरो आ रहा है बोलो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा और इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा तो दोनों को निकाल सकते हो तो हम लोग जो है यहां पर आ चुके हैं तो आइए देखते हैं अब आपका चैप्टर आज जहां से स्टार्ट किए थे वहां पर हम फिर पुनः पहुंचते हैं आपका हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में करके अगले वीडियो में तब तक के लिए बने रहें अब चल जाता तो दूसरी का किसके बारे में आप के बारे में किसी का अपनी किताब में नहीं दिया हुआ दूसरी घटी विद्या पर है वो की किताब निकाला है उसका